वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिंपल सा मेकअप लुक। शायद मेरे फेस में अभी देख के लग नहीं रहा होगा कि मैंने कुछ मेकअप भी किया है, बट किया है यार। अभी आपको बिफोर और आफ्टर दोनों ही देखने को मिल जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी से मैं ये मेकअप का लुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये रहा मेरा बिफोर मेकअप का फेस। अब हम करने वाले हैं मेकअप। तो मैं सबसे पहले लगाने वाली हूँ सीरम। मैंने सोचा क्यों ना, फेस्टिवल है तो मेकअप को थोड़ा सा फ्लॉलेस बना लिया जाए। भले ही आपका नो मेकअप लुक रहे बट मेकअप आपका प्रॉपर हमेशा फ्लॉलेस ही होना चाहिए, केकी नहीं होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट डिटेल होगी वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। देन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। एक्चुअली मेरा ये काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही लगा लगा के ख़त्म कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर अब लगा लिया है प्राइमर। प्राइमर के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबलिन का टिंट, क्योंकि मेरे को लगाना नहीं था फाउंडेशन और मेकअप रखना था लाइट। एंड हम लोग डे टाइम पे थोड़ा जा रहे थे बाहर घूमने और बहुत ज़्यादा धूप था, तो इसमें ना सनस्क्रीन भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही लगा लूँ, सनस्क्रीन की गुडनेस भी है, मेकअप भी है। एंड इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये इतना ईजी टू ब्लेंड है, मतलब इसमें आपको ब्लेंडर या फिर कोई मेकअप ब्रश की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथों से इसे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं एंड ये केकीनेस भी नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो मुझे इसकी ये बात तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देन मैं इसे सेट करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर से, क्योंकि बिना कॉम्पैक्ट के हमारा जितना भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट रहता है वो तो अच्छे तरीके से सेट हो नहीं सकता है। उसके लिए हमें कॉम्पैक्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने NYBAE का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। देन उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं आईब्रो भी फिल कर ही लेती हूँ जब तैयार हो ही रही हूँ तो यार त्यौहार है, इतना तो बनता है। तो मैंने यहाँ पर आईब्रोज भी अपनी फिल कर लिया है। ब्राउन कलर लिया था, नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लैक से, तो मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर यूज़ किया था। देन स्पूली से थोड़ा सा सेट भी कर लेंगे ताकि लगे भैया कि हमने आईब्रो भी बनाया था वरना आईब्रो बनाने का भी क्या ही मतलब। देन उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं आई शेडो पैलेट। तो मैं आई शेडो काफ़ी ज़्यादा लाइट रखूँगी एंड बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। मुझे लाइट मेकअप डे के टाइम पे तो खास करके पसंद है, घड़ी नाइट में थोड़ा सा हम हैवी मेकअप में चले जाए अच्छा लगता है, पर नहीं डे के टाइम पे भी लगता है, बट यार मुझे थोड़ा लाइट ही मेकअप का मन था। तो मैंने यहाँ पर लाइट कलर का ही आई शेडो भी पिक किया था एंड थोड़ा सा ये शिमरी था, शिमरी नहीं ग्लिटरी था, ग्लिटरी नहीं शिमरी ही था, सॉरी मैं ही पहले डिसाइड कर लेती हूँ। मतलब इसके जो शिमर पार्टिकल थे वो अच्छे वाले थे, मतलब ऐसा नहीं कि फॉल हो रहे थे। देन यहाँ पर मैंने बहुत ही थिन लाइनर अप्लाई किया था। लाइनर आजकल मैं उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ, फिर भी त्यौहार था तो मैंने सोचा क्यों ना अप्लाई कर लिया जाए। आजकल मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट चल रहा है वो मस्कारा पे चल रहा है, मैं मस्कारा लगा लेती हूँ देन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आई मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। बट ठीक है, अब फेस्टिवल में तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं ना, प्रॉपर तरीके से तैयार होना चाहिए फेस्टिवल में। तो ये जो मस्कारा है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम देता है। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल। तो काजल मैं वैसे भी नहीं लगाती हूँ, बहुत ही रेयर ऐसा होता है। कभी कभी तो मैं फेस्टिवल में या फिर जब ज़्यादा हैवी मेकअप लुक करती हूँ तब भी काजल छोड़ देती हूँ, बट आज मन था थोड़ा सा तो मैंने यहाँ पर काजल भी अप्लाई कर लिया था। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया था, थोड़ा लाइट ही किया था, बट हाँ अप्लाई कर लिया था।
देन उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लश, तो आपको इस लाइट में थोड़ा सा दिखेगा नहीं, बट मैंने यहाँ पर पिच कलर का ब्लश यूज़ किया था। अब मैं इससे भी ज़्यादा अगर अप्लाई करती तो बाहर जाने के बाद लोग वाग मुझे जोकर समझते हैं, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, अपनी जनता को भले ही ना दिखे लेकिन जोकर बन के तो नहीं जाना है बाहर। तो देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ न्यूड शेड की लिपस्टिक। मैंने ज़्यादा रेड या फिर डार्क कलर में नहीं गई हूँ क्योंकि सिंपल सा मेकअप लुक है, जैसे कि स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने न्यूड कलर का ही लिपस्टिक सेलेक्ट किया था। देन उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर मैं अप्लाई करूँगी, बिना हाइलाइटर के कैसे ही काम चलेगा यार, बिना हाइलाइटर के तो मेकअप ही अधूरा सा लगता है। एक हाइलाइटर ही है जो हमें एक नेचुरल सा ग्लो देता है, तो उसे तो भूल ही नहीं सकते। देन उसके बाद यहाँ पर मेकअप सेटिंग स्प्रे यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी एंड मेरा मेकअप हो जाएगा डन। ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक जो कि ज्वेलरी वगैरह के साथ था। ये रहा मेरा ड्रेस जो कि मैंने वाइट कलर के प्लाजो के साथ इसे मैंने स्टाइल किया हुआ था, एंड कुर्ती थोड़ी सी ढीली थी बट काम चला लिया लेकिन लग अच्छी रही थी, बाग प्रिंट में था ये कुर्ती, तो आई लाइक इट। एंड हैप्पी रक्षाबंधन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर।